ये देखिए भाई, कितनी सारी गाय हरा चारा खा रही हैं। एनीवे, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो भाई, आज है हमारे पास अपना स्कूटर TVS Ntorq XT, जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लिए हैं TVS Ntorq XT, टॉप ऑफ द लाइन। ये TVS Ntorq का, जो TVS में Ntorq स्कूटर आते हैं, उसका सबसे टॉप मॉडल है और सबसे महंगा भी है। तो आज इसके बारे में रिव्यू करेंगे। एक्चुअली पहले तो मैं रिव्यू सोच रहा था, बट अब तो रिव्यू क्या, इसका पोस्टमार्टम ही करना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी पता लगी हैं हमें स्कूटर के बारे में। तो काफ़ी दिनों से मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल स्कूटर है। तो इसके बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे। पहले कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। तो भाई, बेसिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसमें इसकी DRS लाइट आ जाती हैं, जो सिग्नेचर स्टाइल हैं। और ये LED सेटअप है पूरा, और ये सब प्लास्टिक है भाई, पूरा फाइबर बॉडी। आज भी, पहले भी इसमें ये आता था, अभी फाइबर बॉडी है। दोनों तरफ ये टर्न इंडिकेटर आ जाते हैं, यहाँ पे दो मिरर हैं, और ये डिस्क ब्रेक फ्रंट में मिलते हैं स्कूटर में। और कुछ ऐसी इसकी चाबी आती है, जिसकी की है, और जहाँ यहाँ से ऑन ऑफ होता है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यहाँ पे, इसके हैजार्ड लाइट जिसे चारों इंडिकेटर हो सकते हैं। ये पे यहाँ पे ये स्विच दिया जाता है, इसके बारे में बताएंगे अभी पूरा। यहाँ पे ये टर्न इंडिकेटर हैं, अभी सिर्फ बेसिक बताते हैं। यहाँ पे कुछ सामान वगैरह हुक लटकाने के लिए है, और यहाँ पे भी दिया गया है नीचे भी। एक्चुअली भाई, कुछ साइड से ऐसी लुक आती है इसकी, देख लीजिए। और ये इसका बैक प्रोफाइल है। चलो, इसका बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ आपको। ये इसका बूट स्पेस है भाई, उसमें सिर्फ चार्जिंग का आता है। लाइट इन्होंने हटा दिया है, क्या कॉस्ट कटिंग चल रही है या वट एवर, जो भी रीज़न हो, बट अभी लाइट नहीं मिलती, सिर्फ चार्जिंग के लिए आता है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। और ये इसका बूट स्पेस है, फेयर एनफ है। 21 हाफ फेस हेलमेट तो आ ही जाता है इसमें, और थोड़ा बहुत सामान भी आ जाता है साथ में। तो भाई, यहाँ से इसमें ये फ्यूल के लिए है, और यहीं से एक्सेस होता है। और ये लेडीज़ फुट रेस्ट है, बाकी स्टैंड वगैरह मिल जाते हैं। और ये रियर पैसेंजर के लिए, पैर रखने के लिए है फुट रेस्ट। यहाँ से इंजन ऑयल चेक कर सकते हैं। तो ठीक है भाई, कुछ साइड से ऐसा दिखता है स्कूटर। तो बेसिक्स तो भाई हो गए हैं कंप्लीट। अब बात करते हैं स्कूटर के रिव्यू की प्रॉपर, कि स्कूटर चलता कैसा है और क्या वर्थ इट है 1.25 लाख रुपए स्कूटर पे लगाना या नहीं है। तो चलो देखते हैं यार। वैसे दिखने में तो जो कलर है इसका, नियोन एंड जो शाइनी नियोन है, जो ब्लू कलर है, वो थोड़ा मेट में आता है। तो कलर लुक वाइज तो बहुत अच्छा लगता है। जो स्टिकरिंग वगैरह की गई है तो वो भी अच्छी लगती है। बाकी ये टायर में जो लगे हैं स्टिकर्स, ये तो अलग से बाहर से लगवाए गए हैं, बट बाकी ठीक लग रहे हैं ओवरऑल। जो बाकी यार, लुक आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि लुक तो सब्जेक्टिव होता है, किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता। बाकी मुझे ठीक लगा था तो मैंने ले लिया। बाकी अब स्कूटर की बात करते हैं, मैं रिव्यू की बात करते हैं भाई। स्कूटर चलने में बहुत बढ़िया है। जो फ्रंट में इसके टायर आते हैं वो है 100:80x12। वैसे जनरली स्कूटर्स में 90:90:12 आते हैं, बट इसमें 100 सेक्शन का टायर है। और रियर वाला भी काफ़ी वाइड है, जो 100 सेक्शन के आता है, 110:80x12। तो थोड़ा रियर वाला है, थोड़ा और वाइड टायर है। तो जो ग्रिप मिलती है टायर से, वो तो बहुत बढ़िया है। और जो राइडिंग क्वालिटी है स्कूटर की, वो भी बहुत अच्छी है, काफ़ी स्मूथ चलता है। और जो पावर डिलीवरी है इंजन की, 125cc का इसमें इंजन मिलता है, उसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया है। 9.3 BHP की पावर देता है, और 10.5 Nm का टॉर्क मिलता है इसमें आपको। बाकी इसमें एक XP वेरिएंट आता है, सबसे ज़्यादा पावर जो भी Ntorq लाइनअप में है, सबसे ज़्यादा पावर वही निकालता है 10.2 BHP की। तो लेकिन क्योंकि जो रेस एडिशन में जो इंजन यूज़ किया गया है, स्कूटर में भी सेम ही इंजन आता है, इंजन में कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट डिफरेंस किया गया है, छोटे बहुत बेसिक डिफरेंस है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे एक तो अलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन है वो चेंज किया गया है, और दूसरा है कलर। ये सिर्फ XT वेरिएंट में ये कलर मिलता है आपको। और ये सबसे बड़ा जो इम्प्रूवमेंट है वो है मीटर। बाकी जो थोड़े और डिफरेंस हैं, कुछ और भी हैं, जैसे इसमें आता है साइलेंट स्टार्ट, ये साइलेंटली स्टार्ट होता है। अभी मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो भाई दिखा देते हैं अभी इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिखा देते हैं। तो भाई कुछ ऐसा आता है इसमें, ये काफ़ी बड़ा अपडेट किया गया है इसमें, या इम्प्रूवमेंट बोलो,
इसमें एक तरफ तो TFT है, डिजिटल दिया गया है और उसमें लिखा भी आता है नाम वगैरह। अभी थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा तो इतना अच्छे से दिख नहीं रहा है। और इसमें RPM मीटर भी आपको दिखाई देता है, वही आपको भी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। ये साइलेंटली स्टार्ट होता है बिल्कुल। अभी स्टैंड लगा हुआ है शायद इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा, बाकी स्टैंड हटा के इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए स्टार्ट हो गया है, साथ में इसमें RPM का भी इंडिकेशन दिखता है स्पोर्ट्स मोड में, जो कि दिख रहा है अभी 1 RPM दिखा रहा है। और ये मैं बता देता हूँ ऑटो ऑन ऑफ है, जैसे अगर ट्रैफिक वगैरह में खड़े हैं तो 5-7 सेकंड के बाद स्कूटर अपने आप ऑफ हो जाता है, जैसे ये आ गया फ्यूल सेवर मोड 4, 3, 2, 1 और ऐसे अब ये बंद हो जाएगा। अब ये बंद हो गया, बस इसको स्टार्ट करना है। तो अब लिखा भी आ रहा है अप्लाई ब्रेक एंड थ्रोटल ब्लिप, आपको ब्रेक दबानी है और इस वजह से इसको ऐसे घुमाना है और ये ऐसे फिर से साइलेंटली स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी नया अपडेट किया गया है, न्यू फीचर ऐड ऑन किया गया है, TVS का इंटेलिको फीचर आता है इसमें। तो अभी स्टैंड लगाते हैं तो बंद हो जाता है। बाकी इसमें भी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आता है, अगर आप रियर वाला अप्लाई करेंगे तो फ्रंट वाला भी अप्लाई होता है। बाकी यहाँ पे मार्किंग भी दे रखी है TVS इंटेलिको की। ये तो भाई कुछ डिज़ाइन मेजर एंड माइनर चेंजेस किए गए हैं, साथ में एक बड़ा अपडेट ये भी है कि इसका वेट भी कम किया गया है। जो अलॉय व्हील्स में पहले वेट ज़्यादा मिलता था, अब उसको कम किया गया है, तो इसका 6 kg वेट जो है कम कर दिया गया है रेस एडिशन से। ये 110 kg के वेट के साथ आता है, इस वजह से थोड़ा जो पावर भी ज़्यादा फील होती है और जो एवरेज है वो भी बहुत बढ़िया निकाल देता है। मुझे अभी ये 51, 50 इवन हाईवे पे 54 तक की भी एवरेज दे रहा है, जो मैंने कैलकुलेट किया। अभी मैंने कोई वीडियो तो उसका बनाया नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम आपके लिए वो भी बना दूंगा एक वीडियो एवरेज के लिए। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो चाहिए कि नहीं, ठीक है। और बाकी इस वजह से एवरेज भी बढ़ा है इसका, वेट कम रिड्यूस हुआ है तो, और थोड़ा पावर भी बढ़ गया है। और ये भाई इसका पीछे का सिग्नेचर LED टेल लैंप है, जो एंटोर का सिग्नेचर स्टाइल है, बहुत ही बढ़िया लगता है। बाकी दिल्ली में स्कूटर की मुझे ऑन रोड जो अभी वैल्यू पड़ी है, मैं अभी जून मंथ की बात करूं, क्योंकि मैंने अभी इसको 14 जून को ही लिया है, तो मुझे 1,23,000 का ऑन रोड ही दिल्ली ये पड़ा है। और जो इसके साथ मुझे मिला है, एक तो ये कह सकते हैं बूट में जो पैर रखने का होता है, ये सीट कवर है बस, बाकी तो कुछ एक्स्ट्रा मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ मिला नहीं है इसमें, यही सब कुछ है। इवन नंबर प्लेट के कवर्स वगैरह भी मैंने खुद ही बाहर से लेके लगवाए हैं। अब बात करते हैं भाई किसको स्कूटर लेना चाहिए और किसको नहीं। तो ठीक है भाई बता देते हैं, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या फिर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, या फिर थोड़ा आपको स्पोर्टी लुक वाला स्कूटर चाहिए जो चलने में बढ़िया हो, आवाज़ दमदार हो, आवाज़ बहुत ही बढ़िया करता है, ये ऐसा लगता ही नहीं कि आप एक स्कूटर चला रहे हो, जो हम्प है वो बहुत अच्छा है और बेस भी आती है, तो बेसी सा साउंड है, अच्छा लगता है। और जो साउंड लवर्स हैं उनको तो बहुत ही पसंद आएगा, जिनको थोड़ी लाउड साउंड चाहिए होती है, अगर 10-20 की स्पीड में भी होता है ना तो भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ करता है, आवाज़ करता है, अगर किसी को पसंद है। मुझे एक्चुअली ज़्यादा पसंद नहीं है, बट बाकी ठीक है, बुरा नहीं लगता, आवाज़ अच्छी करता है। और लेकिन इसमें मुझे कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे इसका सीट इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा और बड़ा हो सकता था, जो पीछे स्पेस दे रखा, अगर ये थोड़ा सा और बड़ा होते का दिन तो ज़्यादा बेटर था। सीट थोड़ी छोटी, बस दो लोगों के लिए ही है, अगर आप थोड़े मीडियम साइज़ के ऊपर हैवी हो तो बस मुझे नहीं लगता कि दो भी ढंग से बैठ पाएंगे, तो ठीक है सीट थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा हो तो ज़्यादा बेटर। तो एक तो भाई इसका ये ड्रॉबैक हो गया, दूसरा इसका ड्रॉबैक है भाई इसका फाइबर बॉडी, पूरी बॉडी फाइबर की। अगर आपको स्कूटर चलाना नहीं आता है, आप सीख रहे हैं अभी, लर्निंग फेस में है, तो मैं बोलूँगा कि भाई अभी अवॉइड कीजिए, क्योंकि कहीं से गिर गया ना तो पूरा टूट ही जाएगा। और फिर पार्ट्स भी कोई सस्ते नहीं है, काफ़ी महंगे पार्ट्स हैं स्कूटर के, शायद सबसे अगर कोई चीप होगा तो शायद ये वाला पार्ट है, मैंने देखा था ऑनलाइन चेक किया था, 246 रुपीज़ का था, बाकी तो सब काफ़ी कॉस्टली है। तो भाई देख के चलाइएगा अगर आप ये ले रहे हो, तो थोड़ा बचा के चलाओ तो ज़्यादा बेटर है। अब ये तो बात हो गई भाई इसके कुछ ड्रॉबैक्स की, ठीक है। बाकी स्टैंड आपको इसमें दोनों मिल जाते हैं, दोनों ही मेटल में हैं तो वो भी अच्छी बात है। और अब मेन मुद्दे पे आते हैं भाई, मुझे क्या प्रॉब्लम लगी स्कूटर में, मुझे कहाँ प्रॉब्लम आई और क्या दिक्कत है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल ब्रांड न्यू स्कूटर है और आप देखिए फिट एंड फिनिश का है स्कूटर में, मुझे कोई प्लास्टिक का है बना हुआ है तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम लगा। अब ये देखिए
यहाँ पे कितना गैप दिख रहा है आपको, ये आप गैप देखिए। दूसरी तरफ से दिखाऊंगा तो वहाँ पे आपको इतना गैप नज़र नहीं आएगा, वहाँ पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस तरफ काफ़ी गैप है। तो ये फिट एंड फिनिश का प्रॉब्लम है। इस तरफ से देखोगे तो भाई बिल्कुल ठीक है, इस तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस तरफ से देखोगे तो फिट एंड फिनिश का प्रॉब्लम है। और एक प्रॉब्लम और दिखा देता हूँ मैं आपको इसमें, ये ब्रांड न्यू स्कूटर है और ये देखिए TVS क्या करता है मुझे नहीं पता। और ये देखिए इसका ऑयल लीक हो रहा है, शॉकर लीक हो रहा है अभी न्यू स्कूटर में ही। क्या ही बोलूँ भाई TVS वालों को, इतना महंगा स्कूटर और अभी 300-400 किलोमीटर चला है और उसका एक शॉकर अभी से लीक कर रहा है। फिट एंड फिनिश आपने देख ही लिया स्कूटर का। यार इतने पैसे ले रहे हो TVS वालों, तो कुछ तो शर्म करो यार, कस्टमर इतने पैसे लगा के आपका स्कूटर खरीद रहा है, ट्रस्ट दिखा रहा है। हमारे पास ये तीसरा स्कूटर है TVS से भाई, चलती हुई रोड है, कोई ना कोई आ जाता है डिस्टर्ब करने के लिए, तो वीडियो रोकना पड़ता है। तो मैं बात कर रहा था यार, इतना पैसे ले रहे हो, हमारे ये तीसरा स्कूटर है, पहले हमारे पास TVS वीगो है, लास्ट ईयर हम TVS जुपिटर 125 लिया था और अब ये TVS एंटोर्क लिया। यार इस तरीके से बिल्ड क्वालिटी दोगे यार, अब क्या बोलूँ आपको, एक बार चेक तो करना चाहिए ना। और ये मेरे साथ नहीं है, मैंने देखा कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि शॉकर लीक हो जाता है 100-200-500 किलोमीटर चलते ही फ्रंट वाले। तो सस्पेंशन मुझे इस स्कूटर का ला टेलीस्कोपिक फ्रंट में मिलते हैं और मोनो शॉक्स पीछे हैं, तो सस्पेंशन तो काफ़ी बढ़िया है स्कूटर का, नो डाउट। बट यार ये लीक नहीं होना चाहिए था, ये एक मेजर इशू है। मैंने दिखाया भी है सर्विस सेंटर वालों को, उन्होंने कहा तो ठीक है इसमें जो भी होगा रिप्लेस होगा तो रिप्लेस कर देंगे, बाकी रिपेयर होगा तो रिपेयर कर देंगे फर्स्ट सर्विस पे। तो मैं चलो ठीक है भाई, अब क्या कर सकते, ले लिया तो ले लिया, बट बाकी मैं ये चाहता हूँ बस और किसी के साथ इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना हो, किसी को करनी पड़े तो वही अच्छा है यार। अब हमारे व्यूअर हैं तो बनता है आपके लिए कि हम आवाज़ उठाएँ, एज ए यूट्यूबर हमारी भी जिम्मेदारी होती है। तो बस यार अगर आपको लगता है कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है और आपको आपने भी एक प्रॉब्लम फेस किया तो भाई ज़रूर बताइएगा भाई कमेंट में अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस की है या कुछ और ऐसा ही कुछ इंसिडेंट आपके साथ हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मोस्टली तो मैंने सारी चीज़ें कवर कर ही दी हैं, बाकी जो ये पीछे का ये डिज़ाइन वगैरह है ऐसा कुछ प्रैक्टिकलिटी तो इसकी कुछ है नहीं। ये इसकी लाइटें हैं जो कि नॉर्मल आती है हैलोजन में, अगर इनमें भी इंडिकेटर में भी LED देते तो ज़्यादा बेटर रहता, बट इट्स ओके। हाँ एक यार ड्रॉबैक मैं एक और बताना भूल गया, ये स्कूटर में यार किक नहीं दिया। अब विंटर्स में क्या होगा आई डोंट नो, कैसे स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने देखा स्कूटर्स काफ़ी प्रॉब्लम करते हैं। बाकी ये न्यू स्कूटर है, लेट्स सी, अभी तो मैं कुछ उस बारे में कमेंट कर नहीं पाऊँगा, अभी तो वन सेल्फ में स्टार्ट हो जाता है, बट हाँ विंटर्स में भी पता चल पाएगा, तो उसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है उसको ड्रॉबैक से आप ना देख लीजिएगा अब किस तरह के एरिया में रहते हो। एनीवे यार वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना यार, चैनल को प्लीज़ भाई प्यार दो यार, सपोर्ट दो भाई को यार, सब्सक्राइब कर दो भाई जितना जल्दी हो सके यार, 1000 सब्सक्राइबर करा दो। और बाकी मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ इस स्कूटर के बारे में, आपका भी कोई सजेशन हो सुझाव हो कुछ भी आपको जानना हो पूछना हो तो यार आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल ID है मेरी, वो भी मैं स्क्रीन पर आपको दिख जाएगी। ठीक है आप मुझे डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं उसके लिए। Thanks for watching, यार. Have a nice day.